हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेशन 22 to 26 है, उनके कॉमन कोर्स 6 पेपर का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब तक हमने टोटल 6 यूनिट्स प्रीवियस के लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज का हमारा लेक्चर होगा यूनिट 7 पर। यूनिट 7 क्या है कि कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। बाइलिंगुअली पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव का मुकाबला करना। सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएमए मैथमेटिक्स में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपका मेजर पेपर मैथ्स है तो उसके लिए आप रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन डीएमए मैथमेटिक्स से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट में आज हम यूनिट 7 पढ़ेंगे, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। अब तक के प्रीवियस 6 लेक्चर्स के वीडियोस यूट्यूब पर और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है और इसके बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनली क्या सहयोग हो रहा है और चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, फ्यूचर का दृष्टिकोण क्या है, यानी कि भविष्य का दृष्टिकोण क्या है देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। तो क्लाइमेट हम लोग हिंदी में भी पढ़ रहे हैं तो उसका परिचय देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्रकार का वैश्विक बदलाव है जिसमें पृथ्वी के आबोहवा पैटर्न में स्थायी और लंबित परिवर्तन हो रहा है। इसके मुख्य कारण अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय गैसों की अत्यधिक मात्रा से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, कॉजेज क्या है, तो ग्रीन हाउस एमिशंस, डिफॉरेस्टेशंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये कुछ कॉजेज है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहे हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है। और इम्पैक्ट क्या है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, मौसम की घटनाएं, फिर समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, फिर महासागर का अम्लीकरण हो रहा है, फिर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज यानी कि मुकाबला करने के उपाय क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी एफिशिएंसीज, रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस क्या क्या हो रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट, सीओपी मीटिंग्स, उसके बाद अगर फिर हमें चैलेंजेस क्या क्या हो फेसेस का फेस करना पड़ सकता है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन, इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, कुछ चुनौतियाँ, और साथ ही इसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स ऐड किया है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो ये ये कुछ क्वेश्चंस है, टोटल 8 क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स प्रॉपरली आप कॉपी पे नोट करिए और एग्ज़ाम तक आपके पास एक अच्छा रिसोर्स होगा कॉमन कोर्स 6 को रिवीजन करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक सारा का नोट्स और जो क्लास नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल डीएमए मैथमेटिक्स से ले सकते हैं। थैंक यू।